किसी टीम को स्टार्टल कर सकते हैं इस पूरी फाइट में, बट बीटीआर अब उनको सर्कल में जाना है। बीटीआर के लिए मुश्किल, टी1 के प्लेयर्स आगे रुके हुए, बट बीटीआर के लिए फाइट निकालना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए पोजीशन निकालना इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट निकालना इंपॉर्टेंट है, सब चीजें बीटीआर के लिए ये गेम बन सकता है। जी हाँ, यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स आप देखिए किस प्रकार एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्स के एनजे ने यहाँ पे कर दिया थोड़ा सा ब्लंडर, और देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। गैलेक्सी रेसर्स के एमजे फिलहाल बॉसा को फिनिश कर देगी, केओजी की स्क्वाड हो चुकी है एलिमिनेट, बट यहाँ पे बीटीआर कंप्लीटली कमिट करती हुई अल्ट्रॉन को यहाँ पे गाड़ी से फिनिश करते हुए, यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स अगेन अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड पुश, जिसके चलते इनके दो प्लेयर जरूर नॉक हुए, बट देखना पड़ेगा लक्सी और माइक्रोबर्ग क्या उनके टीममेट को रिवाइव दे सकते हैं। वो दो प्लेयर्स भी एमजे ने ही नॉक किए थे, लेकिन उसके बाद वही बारी आती है कि आप कितनी पॉइंट्स यहां पर ले पाओगे। जब बाकी बीटीआर के प्लेयर्स पीछे से देख रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एक मुश्किल आपके लिए कर देता है। डॉट एग्जैक्ट आप देखिए 4 vs 4 vs 4 की सिचुएशन है, तीनों टीम्स यहां पर जो जिंदा है, सबके चारों प्लेयर्स हैं। बीटीआर के लिए चिकन डिनर गेम होता है, तभी वो यहां पर सारे के सारे पासे पलट सकते हैं। स्पॉटेड है यहां पर यू लेवल अप के विंटर के द्वारा, विंटर सामने की एरिया पर देख रहे हैं जहां पर माइक्रोबॉय शॉट्स उनको पड़ रहे हैं, माइक्रोबॉय अपने लिए कवर लेकर आ चुके हैं। यू लेवल अप वर्सेस बीटीआर, ये फाइट रहेगी। पीछे से टी1 के प्लेयर्स भी अपने लिए एक बेहतरीन गेम यहां पर बनाना चाहेंगे। परफेक्ट मैक्सिकन स्टैंड ऑफ मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे चारों आई थिंक सबके टीम के चार चार प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। यू लेवल अप के प्लेयर्स के पास कंपाउंड एडवांटेज जरूर है, बट टी1 आई थिंक एक एक्स फैक्टर यहाँ पे बन के आ सकते हैं। योन जून को मिल चुका है ग्रोजा, साथ ही साथ एक गिली सूट, और यहाँ पे सर्कल फेवर करता हुआ यू लेवल अप के प्लेयर्स को, यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स को सर्कल के अगेंस्ट यहाँ पे विपरीत फाइट करते हुए जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि इनके पास कितनी यूटिलिटीज है, कितने स्मोक्स है, क्योंकि अगर ज्यादा स्मोक्स नहीं ओपन में जाएंगे तो यू लेवल अप के प्लेयर्स इजीली इनको शिकार बना देंगे अपना। जो एरिया है, जो घर है, वो यू लेवल अप के पास है, गेम उनका भी बन सकता है, बट बीटीआर को बस उस चक्रव्यूह को भेद करना है जिस तरीके से उनको आगे जाना। आप देखिए माइक्रोबॉय टी1 के मिसाइल को पिक ऑफ कर ही चुके हैं, गन्स की जरूरत नहीं है, कभी-कभी ग्रेनेड भी वो जवाब दे जाते हैं। माइक्रोबॉय यहां पर लगा जाते हैं, बट राइजन नो, दैट वाज अ ब्लंडर, सही मौके पर नहीं किया, बट आप देखिए माइक्रोबॉय को रिवाइवल जरूर मिल जाएगा, बट दैट्स लीव सम क्वेश्चंस फॉर अस। खैर, योनजन वहां पर मिसाइल को रिवाइव जरूर दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में बीटीआर जो टाइम उन्होंने गवा दिया वो एक गलत डिसीजन हो सकता था। और यहाँ पे होजवा ने ZZP का जो किल है अपने नाम कर बैठे, और बीटीआर के प्लेयर्स ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंटिसिपेट कर रहा था, जो प्लान कर रहा था, उसके हिसाब से नहीं जा पा रहे, बट इनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। आप लक्सी की पोजिशनिंग देखिए, बहुत एक लंबा फ्लैंक इन्होंने मार रखा है। देखना पड़ेगा यू लेवल अप के जो प्लेयर्स यहाँ पे छत की तरफ है, उनको अगर पिक ऑफ कर देते, एक या दो नॉक निकाल लेते, तो आराम से बीटीआर यहां पे पुश कर सकती है। टी1 के प्लेयर्स ने भी अपने लिए यहां पे स्मोक जरूर डाल रखे, काफी करीब आ चुके हैं, बट कमाओ ने यहां पे नॉक कर दिया टी1 के मिसाइल की तरफ, और इस बात का लिहाजा यहां पे बीटीआर के प्लेयर्स को है, बट अगर अच्छे ग्रेनेड जाते तो शायद यहां पे टी1 का भी खात्मा हो सकता है। किल उठा लिया गया, आप देखिए ग्रेनेड गए थे बीटीआर की साइड से, यू लेवल अपने जो नॉक किया था उसके ऊपर फीस्ट यहां पर बीटीआर कर रही है। 4 kills आ चुके हैं, चिकन डिनर के साथ 24 पॉइंट्स बन सकते हैं अगर अभी बात करें। खैर, कमाओ वहां पर आते हैं, बीटीआर के राइजन को पिक ऑफ कर चुके हैं, बीटीआर मुश्किल यहां पर बन सकते हैं बहुत ज्यादा, कॉस्ट एक प्लेयर राइजन डाउन है, राइजन को उठाना पड़ेगा। हमें पता है राइजन डॉक्टर राइजन बनकर भी गेम अपने लिए निकाल सकते हैं, बट उसके लिए उनको यहां पर रिवाइवल की सख्त जरूरत बनेगी। यू लेवल अप उनके पास घर का एरिया वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, ये जिद है इनके जीतने के लिए। टी1 के योनजन, टी1 के सेडन, जो दो प्लेयर्स बचे उनके पास एक अपनी जिद रहेगी, बट बीटीआर को ये गेम चाहिए। इस एरिया में ओपन फाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सेडन ग्रेनेड कर रहे थे, उन्होंने जंप लिया जो उनको ग्रेनेड का डैमेज कम दे गया, बट ये जो अगला ग्रेनेड बीटीआर के काफी करीब जाकर गया था, माइक्रोबॉय योनजन के ग्रेनेड से डाउन हो जाएंगे। जी हाँ, बट माइक्रोबॉय को रिवाइव क्या मिल सकता है ये हम लोग को देखना पड़ेगा, बट यू लेवल अप के प्लेयर्स ने अपने लिए बहुत अच्छा स्मोक कवर बना रखा है। यहाँ पे बीटीआर को रेस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, योनजन काफी ज्यादा लो हो चुके हैं, और राइजन का ग्रेनेड जाता हुआ यहाँ पे योनजन को नॉक करेंगे। सेडन अकेले बचे, विंटर का अगर एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे टी1 का खात्मा हो सकता है। विंटर को कर चुके, फेंक चुके, क्या वो ऊपर फटेगा या टाइम टू टाइम फटेगा? नहीं, बट उससे पहले ही लक्सी उनको फिनिश कर देंगे, और फाइनल फाइट एक 4v4 का होता हुआ। बीटीआर अगर यहां पे जीतती है तो फर्स्ट पोजीशन ले जाएगी अपने नाम। बिगेट्रॉन रेड एलियंस वर्सेस यू लेवल अप, और आप देखिए कुछ ही देर में 20 सेकंड में बिगेट्रॉन को 15 मीटर जाना, वो 15 मीटर उनके लिए वो 14 और 20 पॉइंट का फासला बनाते हैं। यू लेवल अप के प्लेयर्स आप देखिए, होजवान ऊपर के एरिया पर बैठे, लेकिन ग्रेनेड्स पहले किए जा रहे, विंटर ही एरिया पर आ गया, कमाओ भी एक एरिया से देख रहे हैं। बीटीआर के लिए गेम ऑलमोस्ट इंपॉसिबल लग रहा है। स्मोक्स के सहारे, जो स्मोक क्लाउड है, ये क्लाउड इनको आगे लेकर जा सकता है।
BTR wins this game in a godly manner. Commit the situation, rise it the champions. There you go, BTR Red Alien. Chitni 39 placement points, 223 kill points. Joki in fact.